नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी। आज बात करूंगा मैं दो वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा, हाउ टू प्रिपेयर दिस वन, राइट। डीडीए नायब तहसीलदार और दूसरी है प्लानिंग असिस्टेंट, क्लियर। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसके डीडीए नायब तहसीलदार के ऑफलाइन बैचेस ऑनलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल हो चुके हैं। ऑनलाइन बैचेस चल चुके हैं, स्टार्ट हो गए हैं, और जो भी अगर ऑनलाइन बैचेस में एडमिशन लेना चाहता है वो ले सकता है। टेस्ट सीरीज भी हो चुकी है, दूसरी टेस्ट सीरीज, तीसरी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, और अगर ऑफलाइन बैचेस तो खैर आगे जा चुके हैं। जो ऑनलाइन बैचेस हैं उसकी सारी वीडियोज़ अगर आप लेते हैं एडमिशन, तो आपकी जो सारी वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आपको ये कभी भी जब चाहे तब आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बैचेस का मतलब जब मैं लाइव आऊँगा तभी देखूँ, नहीं। टोटल रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगी आपको, जिसमें आपको पूरा वीडियोज़ प्लस पीडीएफ, मतलब इतना जबरदस्त तरीके के साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सबसे पहले डिस्कस करते इसको। एंड प्लानिंग असिस्टेंट में सिर्फ ऑनलाइन बैचेस यार बॉस, क्योंकि प्लानिंग असिस्टेंट का जो कोर्स है बहुत ह्यूज है, और इसको वैकेंसी जो है इसकी अच्छी भी ह्यूज वैकेंसीज भी है, मतलब 45 वैकेंसीज, मतलब बहुत वैकेंसीज कहलाती हैं। और इस पर अगर आप प्रिपरेशन अच्छे अकॉर्डिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, मैं इतना मानता हूँ कि आपका सिलेक्शन होना तय है। हेल्पलाइन नंबर हमारा जो है ये 7827282211 नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी हमें हमारी टीम तुरंत आपको रिवर्ट करेगी, व्हाट्सएप जरूर करिएगा, कॉल ना करके व्हाट्सएप कर दीजिए। क्लासेस एंड हेड ब्रांच का जो है ये 16G कमला नगर स्पार्क मॉल जो है, बहुत फेमस एरिया है दिल्ली, और एक बैच हमारा मुखर्जी नगर में भी है, लेकिन मुखर्जी नगर ज़्यादा बेटर। हमने प्रॉपर डीडीए के लिए पूरा हमने जो सेपरेट सेटअप बनाया है वो कमला नगर बनाया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करता हूं एक एक करके, उसको देखिएगा। सबसे पहला सिलेबस मैं डिस्कस करूँ नायब तहसीलदार को, शुरुआत में प्लानिंग असिस्टेंट करूंगा। अच्छे से देखिए, नायब तहसीलदार का पोस्ट कोड 15 है। इसमें सिलेबस जो बता रखा है पार्ट वन से 60 क्वेश्चन, पार्ट 2 60 क्वेश्चन, राइट। अब पार्ट 1 में क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इट मीन्स इसमें आपको पढ़ना होगा कि पूरा एंशियंट, मॉडर्न, मेडिएवल, नेशनल मूवमेंट, मोस्ट ऑफ, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना मॉडर्न एंड नेशनल मूवमेंट पे, क्लियर। इसके लिए आप कई सारी बुक्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, एनसीईआरटीज वगैरह रिफर कर सकते हैं आप बहुत तरीके के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए आप इधर उधर ना देखें तो आप हमसे क्लासेस के लिए ले सकते हैं, बाकी आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें आएगा कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, इसके डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे है हमारे देश में, पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे वर्क होता है। इसके अलावा पंचायती राज सिस्टम जो अमेंडमेंट 73 एंड 74, अमेंडमेंट 1993 में जो किए गए। इसके अलावा हमारा इंडियन इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी जो भी प्लानिंग की गई हमारी, ठीक है, और जो प्लानिंग में हमारे पास जो भी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास अवेलेबल है, क्या कैपेबिलिटी नहीं, कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आ रही है, कौन से मॉडल्स हमने इकोनॉमिक अपना रखे, पॉवर्टी की क्या प्रॉब्लम है, इंक्लूजन्स क्या है, डेमोग्राफिक्स जो आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या डिमांड है, सोशल सेक्टर जो हमारे और भी हैं, इनिशिएटिव्स क्या ले सकते हैं और इनके लिए हम कौन इनिशिएटिव्स कर सकते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे अभी लेटेस्ट में आपको इसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। जनरल साइंस अप टू 10th लेवल, जनरल साइंस में बेसिक तौर पर विटामिन की कमी से कैंसर होगा, खास कर इसमें बॉटनी एंड जूलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसको इसके साथ पढ़िएगा, इंडियन ज्योग्राफी विद अ पर्टिकुलर प्रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द इंडियन कंट्री, तो आपको इसमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि जब इसके साथ आप इसको पढ़ेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी को, तो एक तो दो टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्लाइमेट चेंजेस क्यों हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें पढ़ेंगे हम साइलेंट फीचर्स, आप उसके बारे में पढ़िए, इंडियन हिस्ट्री, वही फिर से उसको रिपीट कर दिया इंडियन हिस्ट्री को। इसके अलावा हमारा है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। साइलेंट फीचर मतलब जैसे एग्जांपल की इसमें एक चाहे तो आप 11th 12th की एक सोशियोलॉजी उठा सकते हैं एनसीईआरटी एंड यू कैन रीड दैट, अदरवाइज आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में क्या क्या है, साइलेंट फीचर इंडियन सोसाइटी का आपको पता है कि कई सारे कल्चर्स हैं, कई सारे कस्टम्स को हम लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ में है। करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तो आप समझ इसको भूल ही नहीं सकते। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत राज सिस्टम, फिर से इस चीज़ को इसने दोबारा कर दिया। तो कुल मिलाकर के हमें बेसिक तौर पर ध्यान देना है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर पर, राइट। इसके बाद 4 एक्ट हैं, बेसिक 3 एक्ट हैं, एक तो लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, एक अलग से उसके बारे में पढ़ेंगे, डेली डेवलपमेंट एक्ट 1957,
अब ये क्या है कि गूगल में वैसे कुछ मिल सकती है, सर डेली डेवलपमेंट मिल सकता है, लेकिन कोई यहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिलेगा। दिक्कत ये इसमें, चलो आप पढ़ तो लोगे लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंडिंग करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए कैसे जानेंगे। इसके लिए जरूरी है कि गाइडेंस की आवश्यकता नीट पड़ेगी पड़ेगी। जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी डेली लॉज है, स्पेशल लॉ बनाया गया एक्ट 2006 का, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया हमारा 60 मार्क्स का बॉस। अगला हमारा जो है 60 का टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जिसमें आपको रीजनिंग आएगी, आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत सारे डायग्राम वगैरह सब करके। दूसरा टेस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स वगैरह पूछेगा आपको अप टू 10th लेवल की, जिसमें आप पढ़ सकते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है, और परसेंटेज, रेशियो, ये सब, प्रॉफिट लॉस, ये सब। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, मतलब फिर से देखो अभी जनरल अवेयरनेस का मतलब GK, ये भी इसको इसी पार्ट में ऐड कर दो। और उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए पार्ट 160 का है, प्लस इधर का आप इसको जनरल अवेयरनेस लगा दीजिए 15, तो टोटल कितना हो गया 75, तो आपका GK का हो बस, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपने टेस्ट ऑफ रीजनिंग से अगर 10 क्वेश्चन बना लिए 15 में, मान लीजिए मैथ किसी कमजोर है उसने 5 बना लिया, और इंग्लिश मान लीजिए आपने 10 बना लिया, तो कितने 25 हो गए, 100 अगर आप पहुंच गए तो आप उसे एक क्वेश्चन ज़्यादा मत करना, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो जाएगी वो 90-100 के बीच में ही रहेगी, इससे एक नंबर ज़्यादा की उम्मीद ही नहीं, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है बॉस वो है 1/3। 1/3 का मतलब कि अगर गलती होती है तो आपको पॉइंट जो आपके 3-3 मार्क्स आपके कट जाएंगे, तो ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था। क्लियर होगा बात को, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके लिए हमारे पास, अगर आप चाहते हैं कि आप दूर दराज बैठे हैं, आप इसकी ऑनलाइन क्लासेस कैसे करें, नहीं जा सकते, ऑफलाइन क्लास नहीं जा सकते, तो आप घर बैठ करके इसका कोर्स पूरा ले सकते हैं। अब देखिए मैंने जितना डिस्क्राइब कर दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस, हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा दोनों पार्ट का, और साथ ही साथ सिलेबस हो गया, इसके बाद आपको जब स्टडी मटेरियल मिल जाएगा उसको आप जब पढ़ लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप पाएंगे क्या, उसके अकॉर्डिंग आप पाएंगे टेस्ट सीरीज, उसको भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आप ये माप सकते हैं आप कहाँ पर हैं, आपका लेवल क्या है। सो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो चीज़ होगी, राइट। तो मुझे उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ और बता देता आपको, तो इसका जो आपका ऑफलाइन बैचेस है उसकी जो फीस है वो तो 25,000 रुपये है, ठीक है, और ये तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाएगी, दैट्स बेटर आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन बैचेस का भी जो 50% डिस्काउंट के साथ इसकी जो फीस चल रही है दैट इज़ 5,000 ओनली, तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा कि आप इसको ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं घर बैठे कभी भी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं कहीं भी हैं इंडिया के किसी भी कोने में, इंडिया के बाहर कहीं भी आप प्राप्त कर सकते हैं इसको। टेस्ट सीरीज जो है अभी डिस्काउंट रेट में है, टेस्ट सीरीज याद रखिएगा, इसमें टेस्ट सीरीज का क्या प्रोग्राम है कि इस पर बात करेंगे हम। टेस्ट सीरीज में सबसे अच्छी चीज़ रहेगी आपकी कि 35 टेस्ट सीरीज होंगी आपकी, क्लियर, एग्जाम के पहले 35 टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने की कोशिश की जाएगी हमारी, और इस पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होंगी, ऑफलाइन आ सकते हैं वो भी कर सकते हैं आप। साथ ही साथ इस पर अगर एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन होता है या आगे बढ़ता है तब भी आपकी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, मतलब 50 टेस्ट सीरीज हो गई आपकी, 70 टेस्ट सीरीज हो गई आपकी, कुछ भी हो गया उसके चार्जेस नहीं लगेंगे। मतलब आप टेस्ट सीरीज जो 3500 टेस्ट सीरीज के आए हैं आपके पास, 3500 जो हमने रखा एक कॉस्ट रखी है डिस्काउंटिंग रेट के साथ 3500, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस ये बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए इसमें इसकी खूबी खासियत क्या है, अगर मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज किया, मतलब टेस्ट 1 हो चुका है हमारा, अब जो इसका आंसर की आएगी आपकी वो पूरी फुल डिटेल वीडियो में होगी, तो उसमें ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 4 ऑप्शन थे ABCD, तो हम आपको PDF नहीं भेजेंगे कि बस आपको PDF भेज दे इसका आंसर ए भी नहीं, हम एक डिटेल वीडियो भेजेंगे जिसमें आप बताएंगे इसका आंसर सी है, ए क्यों नहीं था, बी क्यों नहीं था, डी क्यों नहीं, ये है क्या। तो इससे क्या होगा, आपको एक ही क्वेश्चन जो है 120 का क्वेश्चन होगा उससे कम से कम है तो 300-400 क्वेश्चंस आप क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। क्लियर हो गया यहाँ तक, मैं आपको बता दिया। अब बताता हूँ आपको प्लानिंग असिस्टेंट के बारे में, स्टार्ट करते हैं प्लानिंग असिस्टेंट। प्लानिंग असिस्टेंट का अभी ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल है गुरु, क्योंकि प्लानिंग असिस्टेंट का सिलेबस बहुत बड़ा चल रहा है, इसके सिलेबस डिस्कशन करते हैं फिर इसके आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग असिस्टेंट इसकी प्रिपरेशन पूरे इंडिया में हमारे एकेडमी के अलावा कोई कराता ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से तो किताब भी नहीं होती उनके पास, किताब हमारी है माई सक्सेस जो सभी पोस्ट के लिए है। इसके अलावा इसका सिलेबस बहुत डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या है इसके सिलेबस में, कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, क्या क्या आएगा, ये सब देखते हैं। सबसे पहले प्लानिंग असिस्टेंट के बारे में थोड़ा जान लीजिए, प्लानिंग असिस्टेंट करता क्या है। जैसे आप पता दिल्ली है, आपको पता दिल्ली पूरी तरह से कचड़ा घर बनती जा रही है ना,
ना तो ढंग के यहाँ पर सिग्नल सिस्टम चल रहे हैं, ना ही इनकी रोड प्रॉपर चल रही हैं। ठीक है, रोडों में लोगों ने कब्जे कर रखे हैं पूरा। ठीक है, इतनी रोड है तो अब रोड इतनी सी बची है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक दुकानें लग गई हैं, ये पूरा। भला आपको जाना होता है 2 किलोमीटर तो आप पहुँचते हैं कितने में टाइम? अगर लगता है आपको 5 मिनट लगना चाहिए तो लग रहा है 20 मिनट 25 मिनट, और कभी जाम अगर खड़े होकर 1.5 घंटे खड़े रहो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ये जो प्लानिंग ना हो पाना। अगर हमारे पास प्लान्ड सिटी नहीं होगी ना तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आने वाले समय शायद मुझे लगता है DDO को भी इस चीज़ का पता चल गया, इसलिए इसने ह्यूज वैकेंसी निकाली है 55, और उसने सीधे सीधे कह रखा है प्लानिंग असिस्टेंट के लिए, क्योंकि आगे चल के आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, प्रमोशन अच्छी पाते हैं आप, अच्छी सैलरी मिलती है, और दिल्ली है तो दिल्ली में आपको हमेशा अलाउंसेस अच्छे मिलेंगे। तो दिल्ली के बारे में थोड़ा ख्याल रखो बॉस। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में, प्लानिंग लेजिस्लेशन एंड GIS क्या है इसके अंदर, ये पार्ट वन का फर्स्ट पार्ट टॉपिक बताओ। सेक्शन वन आर्किटेक्चर में इसके क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, बेसिक एलिमेंट्स के मीन्स क्या है कि आर्किटेक्चर किसे कहते हैं, आर्किटेक्चर में कौन कौन चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, जब हम बिल्डिंग करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो क्या यूजेस होते हैं। फिर जो हमें आर्किटेक्चर स्टाइल्स क्या हैं, अलग अलग जैसे स्टाइल्स देखते हैं, कितने घर देखते हैं, कितने रोड देखते हैं, सब अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, इनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स, और साथ ही साथ में इंडिया एंड वेस्टर्न हिस्ट्री में इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल रहे। इसके अलावा ओरिएंटल, वर्नाकुलर एंड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, मतलब ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का मतलब है जो पहले से चले आ रहे हैं। आप देखेंगे अलग अलग सिटी में जाते हैं तो उसके घर बनाने का तरीका, वहाँ की प्लान अलग पता चल जाता है। इसके बाद आर्किटेक्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे आपको पता आर्किटेक्चर का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जब भारत में आए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की, उन्होंने वर्ल्ड वाइड पूरा अपने आप को एक इफेक्ट किया। इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये भी क्या इनका इन्फ्लुएंस रहा, आर्ट जो और भी नए चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिज्म जो आई या कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं या सॉरी एकलिस ये है क्या हाँ इक्लेक्टिसिज्म राइट, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, अपने आप में मैं तो मतलब पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक होगी मुझे। इंटरनेशनल स्टाइल्स क्या हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब अभी जैसे अब चल रहा है हमारा। ठीक है, डी कंस्ट्रक्शन इन आर्किटेक्चर, कैसे इसको मतलब डी कंस्ट्रक्शन किया जाए, जो ट्रेंड्स अभी कंटेम्प्रेरी अभी वर्ल्ड में चल रहे हैं आर्किटेक्चर के क्या चल रहे हैं अभी। जैसे आपको पता है आर्किटेक्चर की कमेटी है, ठीक है, जिसने अभी एक रियो डी जेनेरियो को एक क्या घोषित किया है, एक सिटी ऑफ आर्किटेक्ट घोषित किया, उसको रिनाउंड किया है। वर्ड्स आर द रिन्यूअल एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सीधे सीधे कोर पॉइंट है आपके सब्जेक्ट का, क्लियर। सेकेंड है एनवायरमेंट प्लानिंग एंड डिज़ाइन। भाई देखो, आप कुछ भी बन जाएं आप रहेंगे एनवायरमेंट के अंदर ही, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम, नेचुरल एंड मैनमेड इकोसिस्टम। इस पर पूरा का पूरा इसका डिस्कशन होगा कि किस प्रकार इकोसिस्टम क्या है, हम उससे क्या इफेक्ट होते हैं, क्या हम उससे बर्बाद कैसे कर रहे हैं। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है आपके, एनवायरमेंटल इंपैक्ट एनालिसिस उसकी देखेंगे। एनवायरमेंट जो प्लानिंग एंड डिज़ाइन में जो भी जो चीज़ें चेंजिंग आ रही हैं, डाटाबेस जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न, जैसे प्लानिंग जब हम एनालिसिस करते हैं उसके कौन कौन डाटाबेस होंगे, लैंड सिटीबिलिटी कैसी होती है उसकी एनालिसिस बाकायदा की जाती है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस की जाएगी उसकी, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की जाएंगी। इसके अलावा सोलर जो आर्किटेक्चर, ताकि हम सोलर पैनल को भी डेवलपमेंट कर सकें, मेथड्स आप किए जाएंगे एनवायरमेंटल क्वालिटी के, ग्रीन बिल्डिंग्स का, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अब थोड़ा ऐसे एनर्जी सेविंग बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाएगी। कॉन्सेप्ट एंड रेटिंग, अब इसके कॉन्सेप्ट एंड रेटिंग आप किसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, ECBC जो एनर्जी कंजर्वेशन जो एक चीज़ चल रही है इसको देखेंगे, बिल्डिंग परफॉर्मेंस कैसे चल रही है ये सब देखेंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन टाइप्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया परेशान है इससे, आप दिल्ली तो खैर परेशानी है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन से पूछेगा भी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन टाइप्स इसके क्या है, कॉजेस क्या है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अबैटमेंट एंड स्ट्रेटजीज क्या क्या हमारे पास है। इसके अलावा सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए इसमें अब है अर्बन प्लानिंग करेंगे तो अर्बन का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें ट्रांसपोर्ट प्रॉपर तरीके से हो, वाटर सप्लाई अच्छी हो, सीवरेज देखो अभी कहीं टूट टाट गया कुछ भी हो गया, ड्रेनेज प्रॉपर हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखो जहाँ देखो कूड़ा करके डरा पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी का कम्युनिकेशन सही हो, थोड़ा सा बरसात हो जाती है साइड लाइट बंद कर दी जाती है। प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो भी चीज़ें हैं ये सब, रोड कैपेसिटी, ट्रैफिक सर्वे मेथड क्या होगा, ट्रैफिक को फ्लो करेक्टिसिटी कैसे चाहिए, ट्रैफिक को एनालिसिस कैसे करें, ऑड एंड जैसे अभी चला था इवेंट नंबर, ट्रैवल डिमांड जो फॉरकास्टिंग होगी, लैंड का यूज़ कैसे करना ट्रांसपोर्टर्स के लिए ताकि लैंड ऐसे यूज़ हो, क्योंकि अर्बन जो है जो रिलेशनशिप अच्छी बने रहे अर्बन और रूरल की, डिज़ाइन हो रोड्स का, इंटरसेक्शन हो उसमें, ग्रेड सेपरेट होंगे पार्किंग एरियाज के बनाए, अभी
आप चांदनी चौक चले जाइए, बहुत सारी जगह चले जाइए, जहाँ देखो वहीं पर रोड में खड़ी गाड़ी खड़ी है, आपको जाने में बहुत दिक्कत, क्योंकि पार्किंग सेपरेट हमने किया ही नहीं स्टार्टिंग में। ये मॉडर्न इरा में जो मुगल इरा में था मेडिवल समय से, वही चांदनी चौक चल रहा है। पहले वहाँ बहुत सारी जगह थी, हम उसको छोटी 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 चीज करके बंद कर दी, क्योंकि आप जाते हैं आपको पता इतना बोगस लगता है, इतना बोरिंग लगता है। इवन एक मुखर्जी नगर छोटा सा प्लेस है, देखो यहाँ कोचिंग के कारण इतना ज़्यादा हब हो चुका है कि मैं खुद बहुत मतलब सफोकेटेड महसूस करता हूँ। तो मैं तो खुद टीच करता था, लेकिन जब वहाँ देखा तो भाई ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती बिल्डिंगों में, बॉस क्लास कैसे लेंगे हम। सो आई डिसाइडेड टू गिव अप देयर, राइट भैया वहाँ ऑफिस है अपने, मैंने सूरा अपना कैंपस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने अपना एक ऑफिस लिया, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के चीज़ नहीं भाई पैसा। तो मास ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करना है इसका, पैरा ट्रांजिट करना है इसको, ट्रांसपोर्टेशन करना पेडेस्ट्रियन के, अभी देखो आप स्लो मूविंग जो ट्रैफिक जो चल रहा है उसका प्लानिंग करना है इसे, और इसके लिए पूरा सिस्टम हमारे चाहिए। फिर प्लानिंग लेजिस्लेशन है जीएस, आपको पता है आपको जब प्लानिंग लेजिस्लेशन जब भी बनाते हैं इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट रिक्वायर होती है लैंड एक्विजिशन एक्ट, प्राइवेट पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एट्सेट्रा, ये सब चीज़ों की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, कि जो क्या जब गवर्नमेंट आप बनाते हैं तो आपको पता होता है कि कोई भी गवर्नमेंट बनेगी कोई प्लानिंग करने के लिए आपको लोकल अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए उसने मास्टर डेवलपमेंट एक्ट डीडी एक्ट जिसे कहते हैं 1957 इंक्लूड किया इसमें सारे सेक्शन सारे प्रोविजंस को। मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 1962 से 2011-21 विल इंक्लूड प्रोविजंस स्ट्रेटजीज एंड मास्टर प्लान प्रपोजल एज पर डॉक्यूमेंट पब्लिश फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी अभी भी हुए हैं। ये हो गया पार्ट वन। पार्ट टू में हुआ यहाँ का टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव, टेस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में आपका पॉलिटी हिस्ट्री थोड़ा बहुत यहाँ से पूछेगा भाई, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा बहुत है ना, इसके बाद इंग्लिश। तो ये बॉस इतनी प्रिपरेशन आपको करनी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरे यूट्यूब पे सर्च मार डालेंगे, इतना ढंग से तो आपको सिलेबस डिस्क्राइब कोई नहीं किया होगा ना ही, क्योंकि पता ही नहीं लोगों तो करेंगे कैसे, है ना। चलो मैं बात करता हूँ इसके बारे में, कोर्सेज के बारे में। देखिए प्लानिंग असिस्टेंट का मैं आपको बताया सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैच अवेलेबल है, ठीक है। कई सारे कुछ मतलब बच्चों ने एडमिशन लिए भी हैं, लेकिन इतना कंपटीशन अभी नहीं है, क्योंकि मैं ही कराता हूं तो पूरे ऑल इंडिया बैंगलोर से पुणे से चंडीगढ़ से कई जगह से लोग मुझे ऑनलाइन मेरा परचेस करते हैं मटेरियल, है ना। तो ये छोटी सी कोशिश है कि आप प्लानिंग असिस्टेंट में आज बॉस ठीक है दिल्ली में आकर के आप प्लीज़ सेव द दिल्ली, आओ इस पे अंदर आओ और अच्छे जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वही आकर के इसको सही कर सकते हैं, मुझे पता है। इसके लिए जो ऑनलाइन बैचेस है, ऑनलाइन बैचेस के जो फीस अभी रखी गई है यार डिस्काउंट के साथ वो आपकी 8,000 rupees फीस रखी गई है, और जो आपकी टेस्ट सीरीज 3,500 टेस्ट सीरीज रखी गई है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आप, और इसके लिए आपको पूरा का पूरा हमें सिस्टम आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको अपने थोड़ा एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बता दी जाए कि आप एकेडमी के बारे में थोड़ा जान लेते हो, थोड़ा एक भरोसा सा होता है कि हाँ चलो यार कुछ लोग अच्छे हैं जो वर्क कर रहे हैं एटलीस्ट हमारे लिए। देखो बॉस ये मैं खुद जब भी आपको बोल रहा हूँ है ना, बात कर रहा हूँ आपसे, बाकी मेरी टीम है पूरी, और टीम के बारे में देख ही सकते हैं आप, पूरा ज़बरदस्त टीम हमारे पास वर्क करती है और ये आपको गाइड करती है ताकि आप अच्छे से अच्छा बेहतर मटेरियल आप प्राप्त कर सकें। इसके अलावा हमारा जो मुखर्जी नगर का एड्रेस भी है, कमला नगर का भी एड्रेस, कमला नगर हमारे दो ऑफिस चल रहे हैं। पेमेंट करने के तरीके हैं आपको गूगल पे वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, और ये अकाउंट है कंपनी का उसी में मतलब एकेडमी को उसी में टीसी ट्रांसफर कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, और 24/7 आज के लिए सपोर्ट नंबर है ही। और कुछ जानना चाहते हैं तो ये www.chauhanacademy.com में जाके विजिट कर सकते हैं, बाकी वैसे भी कॉल कर लेना व्हाट्सअप कर लेना ज़्यादा सही रहेगा, मेरे से बतिया लोगे यार मुझे भी अच्छा लगेगा, आखिरकार आप लोग आने वाले प्लानिंग असिस्टेंट हैं, तो मैं चाहता हूं कि भाई आप लोगों को थोड़ा अच्छा सलाह मैं भी दे सकूं कि भाई ऐसे शहर को बनाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा, और वैसे भी अब 100% लोगों को सेटिस्फाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जिनको आवश्यकता होगी शायद उनको अच्छा लगे। आपके कमेंट का, आपके लाइक का, डिसलाइक का और आपके शेयर का मुझे इंतजार रहेगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा आपको नॉलेज मिलते रहे। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।